राधिका रमण मंदिर में श्री कृष्ण बलराम के श्री चरण में श्री बलराम जी के शुभ आविर्भाव तिथि को मनाने के लिए। शायद पूरी दिल्ली एनसीआर में हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ में एक ही मंदिर है जिसमें श्री बलराम जी हैं, है ना? नहीं और कहीं है क्या? यस। और बलराम जी जब हैं उनको अगर समुचित ये देखे जन्माष्टमी सभी बड़ी आयोजन करके भव्य रूप से करते हैं, करना होगा। बलराम जी एक बार आए थे हस्तिनापुर में और उनको समुचित सम्मान नहीं मिला तो उखाड़ कर फेंक देना था उनको। ऐसा ना करे इसलिए करना पड़ेगा भैया। ये धमकी देते हैं भाई। तो सुखदेव गोस्वामी श्री परीक्षित महाराज को कृष्ण लीला के बारे में सुनाने जा रहे थे, क्योंकि परीक्षित महाराज बड़े आकुल हो करके कृष्ण के बारे में सुनने के लिए उनको अनुरोध किए। तो कृष्ण लीला प्रसंग वर्णन करते करते कृष्ण के आने से पहले से बलराम आते हैं, तो बलराम का वर्णन तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले परीक्षित महाराज एक प्रश्न भी पूछे थे सुखदेव जी को, बोले गुरुदेव आपने मुझे जो वंश नवम अध्याय में वंश वर्णन सुनाए इसमें वसुदेव की वंश के वंशावली में आपने बोले वसुदेव की एक पत्नी है रोहिणी जिनके गर्भ से उनके संकर्षण आदि 7 पुत्र हुए। संकर्षण बलदेव को लेकर के गद आदि सारण आदि 7 पुत्र हुए और वसुदेव के और एक पत्नी देवकी के गर्भ में भी 7 पुत्र हुए थे, एक फिर 8वां पुत्र सिहरि आए और एक बेटी हुई थी उनकी सुभद्रा करके, दोनों ही सुना दी। और श्री बलदेव को रोहिणी के पुत्र के रूप में गिनाए थे और देवकी के पुत्र रूप में गिनाए। हम लोग तो प्रश्न नहीं पूछे होते हुड़बक, लेकिन परीक्षित महाराज जैसे स्मार्ट है तुरंत पूछे। बोले हे सुखदेव जी ये कैसे संभव हो सकता है कि एक शरीर में रह करके 2 माओ के गर्भ से जन्म हो सकते है? ये कैसे संभव हो सकता है ना? नहीं भाई, एक माँ जुड़वा संतान तो जन्म दे सकता है, एक माँ के गर्भ से 2 संतान एक साथ में हो सकते हैं, लेकिन एक संतान और 2 माँ, आप क्या नहीं पॉसिबल? रोहिण्या स्तनया प्रोक्ता राम संकर्षणा त्वया देवकी गर्भ संबंध कुतो देहांतरंग बिना। अभी देह तो बदले ही नहीं, एक ही देह में रोहिणी की बेटा भी और बस देवकी के बेटा भी। ये तो भाई आजकल मेडिकल साइंस कितने ऊपर को चले गए लेकिन तो समझ भी नहीं पाएंगे, करना तो दूर की बात है। 2 माँ के गर्भ से एक बालक अभी है विद्यमान, एक ही शरीर में 2 माँ है। अरे यद्यपि परीक्षित महाराज भगवान की अचिंत्य अनंत शक्ति के परिचित थे, वो जानते थे और वो जानते थे कि भगवान बलराम साक्षात परमेश्वर कृष्ण ही है, उनसे कुछ कमी नहीं है, इसलिए यहाँ स्वराट शब्द से ही सूचित किया जाता है। और अनंत शब्द में देश काल आदि से जिनको कोई सीमा से बंधन नहीं किया जा सकता, ऐसे अनंत और स्वराट मतलब साक्षात श्री भगवान है और भगवान की शक्ति उनमें नहीं थे, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए 2 माह से क्या 10-20 माह से भी एक साथ प्रकट होना कौन सी बड़ी बात नहीं है, है ना? उनके लिए कोई आश्चर्य कुछ होता ही नहीं उनके लिए, तो वो तो हो सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज ये जानना चाहते हैं कि श्री बलराम स्वराट होते हुए पूर्ण स्वतंत्र ईश्वर होते हुए वो जानबूझ करके पहले देवकी के गर्भ में आए, फिर वहाँ से ट्रांसफर होकर रोहिणी गर्भ में आए, उनके स्वच्छा से ईसा किए, 2 माँ को स्वीकार किए, या उसके पीछे और कोई रहस्य है कि भगवान ने बोले उनको ईसा करने के लिए कि जरूर
अगर बलराम जी ने अपने स्वच्छा से किए तो उनके कोई निश्चित भक्ति का परिपाटी, सेवा की परिपाटी होगा, कोई अचिंत्य सेवा की वासना होगा उनके मन में। और जब भगवान ने बोले तो भक्त वात्सल्य की, भगवान ने बोले तुम ऐसा करो, ऐसे भी कर सकते हैं, तो क्या है क्यों ऐसा किए। बलराम के जन्म रहस्य का प्रश्न वो पहले ही पूछ दिए थे। अब उनको जेल में डाल दिया वसुदेव देवकी को, और क्रम अनुसार एक के बाद एक उनके पुत्र को मारते गया कंस। छह पुत्र को तो मार चुका था, माता देवकी का छह संतान जेल में, एक तो आउटसाइड थी जेल हुआ था, घर में हुआ था, बाकी पांच जेल में हुए थे, तो उनको कंस ड्यू टाइम में जाकर मारा था। तो कंस को पक्का पता था, कैलेंडर में डेट एक्सपीरियंस हो गया था उनका, ठीक इस समय होगा, अभी सातवां होने वाला है, वो भी वेट कर रहा था। अभी छह गर्भ होने के बाद सातवां बार माता देवकी ने गर्भवती हुई, कंस को क्योंकि फाइनल मैच अभी आने वाला है, सेमीफाइनल है ये, तो इसलिए वो ज़्यादा सतर्क हो गया, थोड़ा सिक्योरिटी और बढ़ा दिया, और होशियार हो गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि इस बार की जो सातवां गर्भ हुआ कुछ विशेष था। ये जो बाकी पहले के देवकी माँ के गर्भ में जो आ रहे थे वो ऐसा नहीं था, ये सातवां गर्भ विशेष था। ना क्या, ना ये जो सातवां गर्भ में जो आए वो साक्षात भगवत अंश अनंत देव आए शंकर स्वयं, ये कोई दूसरे कोई थे नहीं, ये अनंत जी आए सेवंथ में, साक्षात वासुदेव के कला अनंत सहस्र वदना स्वराट। वासुदेव के कला कहने का मतलब है साक्षात वासुदेव उनके अंश हुई हैं, अनंत मतलब जिनका कोई सीमा नहीं है, कोई देश में कोई काल में सीमित नहीं हो सकते हैं, सबसे परे, देश काल आदि सीमा से परे। सहस्र वदना, जो भगवान के गुणगान के लिए हजारों मुख भी कमी पड़ता है, हजारों मुख लेकर के अनंत काल तक भगवत गुणगान करते रहते हैं भगवान के भक्त चुड़ामणि श्री बलराम, भगवान के गुणगान में सबसे आगे हैं। साक्षात भगवान आ रहे हैं तो फिर आठवां घर में तो भगवान आएंगे ना, वो तो आएंगे, ये भगवान भगवान तो है, फिर क्या ना, ये भगवान सेवक भगवान है। वो जो भगवान आठवां में आएंगे वो सेव्य भगवान होंगे, वो सेवक भगवान के रूप में अभी आ रहे हैं अनंत देव साक्षात भगवत अंश। क्यों आते हैं, क्या आवश्यकता है, बोले तो सबको पता है, कभी कहीं भी VIP प्रोग्राम होता है, कोई मिनिस्टर आदि के आने होते हैं तो प्रोग्राम बनते ही म्यूनिसिपैलिटी पुलिस स्टेशन और आदि आदि सब लोग एक्टिव हो जाते हैं, सफाई वफाई करना ये सब करना हो जाता है, जहाँ प्रोग्राम करेंगे वो लोग भी सतर्क हो जाते हैं, मंच आदि बनाना, गेट फेट सजाना, क्या गिफ्ट देंगे, क्या करेंगे सब। और जिस दिन प्रोग्राम होगा, जिस दिन आएंगे, तो आने से पहले एक विजिलेंस चेकिंग पार्टी आता ना, वो आना पड़ेगा, क्यों कि सब ठीक ठाक है कि नहीं देखने के लिए, फाइनल क्लैरिफिकेशन, एवरीथिंग इज ओके नाउ यू कैन कम आप आ सकते। ये फाइनल चेकिंग के लिए जो 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 मिनिस्टर है उनके सारे प्रकार का आवश्यकता जो जानते हैं, वो क्या क्या चाहते हैं, क्या आवश्यकता है, जो इनसे पूरा अभिज्ञ वही आएगा, नहीं तो कोई कमरे तुझे पता नहीं इसको क्यों भेज दिया, उनको पता नहीं मुझे ये चाहिए था, है ना, नहीं तो। इसलिए जो भगवान के वास्तविक स्वजन है, जो भगवान के मनस्थिति को जानते हैं, भगवान क्या चाहते हैं, किसी प्रकार उनके बेड कैसा होना चाहिए, आसन कैसा होना चाहिए, जैसे हम लोग के लिए आसन लगाने के व्याकरण वाला आसन लगाते हैं, ऐसे भगवान के आसन सज्जा छत्र पादुका आदि आदि जो जैसे भगवान की इच्छा के अनुसार विधिवत होना चाहिए, जो उनको ठीक ठीक से जानते हैं, उनको आना पड़ेगा कि सब देखा ठीक नहीं, चेंज करो, ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, बताए सार आ रहे हैं। तो इसीलिए ये फाइनल ओके करने के लिए
भगवान के साक्षात कला श्री अनंत देव, उसके पहले जो छह गर्भ हो गए थे वो तो प्यूरिफिकेशन था, माता देवकी के गर्भ में ये जो षडगर्भ थे उनको अलग अलग प्रकार में कहा गया। वो षडगर्भ कहे जो देवकी माँ के, देवकी भगवान के माँ है, भगवान के माता पिता, ये तो सब शुद्ध सत्वों के विकार है, ये तो कोई साधारण जीव तो हो ही नहीं सकते। फिर उनमें से ये राक्षस कैसे आ गए षडगर्भासुर? बोले वो आश्चर्य क्या है, भगवान में सब कुछ हो सकता है, बाकी किसी में कुछ होना कुछ, अरे कैसे होगा, लेकिन भगवान में इम्पॉसिबल शब्द तो होता ही नहीं, कुछ कुछ भी कर सकता है, सारे आश्चर्य उनमें हो सकता है, तो इसे कुछ बड़ी बात नहीं। और दूसरी बात है, वो जो षडगर्भ थे वो कोई साधारण थे नहीं, वो मरीचि के पुत्र थे, सांप के कारण ऐसे ऐसे आए थे, लेकिन मरीचि ब्रह्मा के मानस पुत्र है, मन है, ये सब मन के विकार है, मानस पुत्र है, हमारे मन के विकार है, जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर आदि षड विकार है, षड रिपु मन के विकार है, जब तक वो शत्रु रहेंगे तो भगवान कैसे आएंगे, भगवान की बात नहीं आएगा, तो हृदय बिल्कुल साफ होना चाहिए काम क्रोध लोभ आदि विकार से। ये जो षट विकार है, षट रिपु है, उनको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हृदय की जो मन की विकार छह हैं उनको निकालने के लिए हमको सतर्क होना पड़ेगा, हम सभी को सतर्क होना पड़ेगा। ये सब भक्त के हृदय में बैठे हैं, ऐसा बात नहीं, भक्ति तो कर दिए शुरू, लेकिन सब गुणीभूता भक्ति, हाँ पासन इग्नोरेंस भरे पड़े हैं, उनके साथ ही करना पड़ता है, हम सभी हैं, अरे अब दिखाई पड़ता है क्या भरा हुआ है, क्या रस है उसमें, वाह अरे वाह, भूत प्रेत पिशाच भाग जाए कि आ जाए क्या पता। तो ये सब गुणीभूता है, ये गुण कैसे भागेंगे, भक्त के हृदय में जो शुद्ध भक्ति करने के लिए ये गुण सब जाएगा तब तो शुद्ध होगा, तब तो जाएगा हरि भजन करेगा, हरि की सेवा करेगा। ये हरि सेवा करने के लिए जब भक्त तैयार होता है, भजनोन्मुखी होता है, भजन करने के लिए लगता है सब कुछ करके, तभी इतने आसान से गुण नहीं निकलते हैं, इस गुण को निकाल। लेकिन ये शास्त्र में ये भी कहा गया, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, बिना बल में उनको प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये बल क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ है क्या? नहीं नहीं नहीं, शारीरिक शक्ति से उनकी तो सवाल ही नहीं उठता, ये जिम खाना जा करके कुछ प्रोटीन खाकर कुछ नहीं हो सकता, ये शक्ति साक्षात आध्यात्मिक शक्ति है, इसीलिए तो प्रभु के नाम बड़ राम है, उनका नाम बड़ प्लस राम, ये दोनों शब्द से समन्वित है। बल मतलब आध्यात्मिक बल, जो आध्यात्मिक बल से बलवान होकर मैं भगवान की सेवा करने के समर्थ हो सकते हैं, वही बल की मेन सोर्स सप्लायर वही है, उन्हीं से सप्लाई होगा बल। और राम इन बल को प्राप्त करके अगर हम भगवान की सेवा में जुड़ जाए तो वास्तविक पूर्ण आनंद को हम आस्वादन कर पाते हैं। इस पूर्ण आनंद को प्राप्त करने के लिए, पूर्ण आनंद करते राम रमयति थी, उस आनंद में रमण करने के लिए भी उनकी कृपा की आवश्यकता है, ये दोनों काम उनके हाथ में, इसलिए बड़ और राम इस आध्यात्मिक बल भी देते हैं और पूर्ण आनंद में रमण करने के लिए आपको सहायता भी करते हैं। भगवान बलराम ने अपने ब्रज की लीला में दो असुरों को मारे, दो असुरों संहार किए, कोई कहते हैं वही तो पासन और इग्नोरेंस है, धनुकांड प्रलंब, वही तम और रजगुण के प्रतीक है, लेकिन वास्तविक धनुक था क्या था, वो गधा था। आजकल भी कोई क्लास में ठीक से पढ़ता नहीं तो टीचर उसको क्या बोलता है, गधा मूर्ख। और ये गधा था। धेनुक भी गधा, एक्चुअली मांसाहारी नहीं है, गधा घास फूस खाता है। लेकिन ये धेनुक घास फूस नहीं खाता था। ये मसूर था, गर्धवासुर था,
गधे तो रूप था लेकिन कभी घास नहीं खाता था, कि दाना युद्ध मांसाहार करता था, गधे के रूप में असुर। ये गर्धवासुर यही प्रत्येक मनुष्य के यही गधापन यही देहाशक्ति देहाध्यास। अगर हम अपने शरीर को और अपने शरीर के संबंधी को, शरीर के नाम जैसे प्रतिष्ठा को सब कुछ मानते हैं, पूरे शरीर की शक्ति सारे शक्ति सारे सामर्थ्य को उन्हीं में लगा देते हैं तो पूरी तरह से हम गधे हैं। यही गर्धवत्व मनुष्यत्व को खा जाता है, मनुष्यत्व भी प्रकट नहीं हो पाता। इस गधेपन को हटाने के लिए हमारे हृदय से सकल निखिल जीवाचार्य बलराम की कृपा की आवश्यकता है। उनकी कृपा से गधेपन हटेगा, हम कुछ करेंगे। तो इसी से धनुकासुर को पहले ओपनिंग किए, गधेपन को हटाए। ये तो हट गया, देहाध्यास तो हट गया, मिट गया, लेकिन नाम जस प्रतिष्ठा लोकेष्णा इतने लंबा है, प्रलंब है, प्रकृष्ट लंबा, इतने हद तक उनका प्रवेश है। साक्षात भगवान के सखा, गोप सखा के अंदर डुप्लीकेट गोप सखा बन करके चला गया। एक तो वृंदावन के अंदर एंट्री मिला और किस रूप में गया, गोप सखा बन करके गया प्रलंब। हाँ, मतलब यहां तक भी पहुंच जाता है। साधक के सबसे उच्च स्थिति, सर्वोच्च स्थिति में भी ये लोकेष्णा नाम जस की प्रतिष्ठा उसको घायल कर देता है। इसी उच्चतम स्थिति में जाकर भी पतित हो जाता है, इसी के कारण, क्योंकि वो दिखता ही नहीं, वो सूक्ष्म है, इतने सटल है ये जस की इच्छा, इसीलिए तो प्रलंब है। इतने डुप्लीकेट बिल्कुल गोप सखा बनकर गया। अब बताओ, उनके ग्रुप में घुस गया, वो खेल भी खेलने लगा, लेकिन खेल खेलते खेलते जब बलराम को कंधे में उठाएगा तब उनका चूर चूर होगा, है ना नहीं? तो इस प्रकार बलराम भी इस इतने सुखमाति सुखम, इतने दूर तक जिसका पहुंचे प्रलंब रूपी लोकेष्णा नाम जस प्रतिष्ठा की ये आशा को उसको भी हृदय से साफ करते मिटाते श्री बलराम। इनको मिटा दिए, इनको मिटा करके हमको कृष्ण सेवा के लिए सहायता करते हैं, समर्थ करवाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कभी कभी कहते हैं कि मेरे अनुजाई जितने हैं दे आर वेरी गुड, सब खूब जप करते हैं, जहां तहा हरे कृष्ण करके डिक्लेयर हो गया सारे सोसाइटी में, इतने करते हैं, लेकिन दे आर नॉट फियरिंग इनफ टू माया। जितने माया को डरना चाहिए इतना भय नहीं उनका अंदर, निर्भय हो जाते हैं। यद्यपि भक्त का गुण है अभय, निर्भय हो जाता है, लेकिन है अभय तो होगा, लेकिन फिर भी भय रहना चाहिए। क्या ये जो षड विकार हमारे अंदर है इसको निकालने के लिए भय ही सहायता करेगा हमारा, भय ही उसको मारेगा निकालेगा। इसलिए श्री मामा कंस साक्षात भय की अवतार है, पर्सनिफिकेशन ऑफ भय, फियर पर्सनिफाइड कंस है। तो कंस ही भय के रूप में आकर के इस शुद्ध भक्त भक्ति देवकी के हृदय से इस षट विकार काम क्रोध को भय के कारण नाश किया, मारा उसको। उससे मर जाने के बाद में अभी फुली क्लियर हो गया, बाकी सब रेडी है कि नहीं, फाइनल चेकिंग के लिए श्री भगवत अंश साक्षात संकर्षण अनंत देव पधारते हैं। ठीक है, आए, कर दिए इंस्पेक्शन, ओके करके ग्रीन लाइट दे दो, अभी सारा आए चल। लेकिन गड़बड़ी यही हुआ कि आए तो आए और जाने के लिए मन नहीं करते, पता नहीं। अरे भैया, श्री बलराम के नित्य माँ श्री रोहिणी है, रोहिणी नंदन, हमेशा उनकी नित्य जननी अनंत जननी श्री रोहिणी है, लेकिन पता नहीं। अब चेकिंग करने के लिए आए, हरे प्रिय चिकित्सया हरि के प्रिय करने की इच्छा से आए, वहाँ देवकी के माँ के गर्भ से श्री हमारे प्रभु के सार के सब व्यवस्था ठीक ठाक है कि नहीं, और ठीक ठाक कर लिया अभी चला जाना चाहिए, लेकिन जा नहीं रहे, वो यहाँ के रह गए। अरे भाई, आपको चेकिंग करने में क्या टाइम लगता, करेक्शन फटाफट करो जाओ भाई, उनको आने का प्रोग्राम उनका फिक्स है, लेकिन आके जन नहीं जा रहे।
आए सब ठीक ठाक तो किए और वहीं बैठे जा नहीं रहे। अब भगवान को माया देवी को बुलाना पड़ा, गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे, अब जाओ भाई साहब यहाँ बैठ गए, लाइन क्लियर नहीं है, आउटर में मैं खड़ा हूँ, आउटर में खड़ा हूँ, लाइन क्लियर नहीं है, क्यों भाई साहब बैठे हैं हमारे सीट पर, हमारे सीट पर भैया भाई साहब बैठे हैं, उनको लाइन क्लियर कराओ यार, हम जाओ है ना, नहीं मेरे सीट पर वो बैठे। बोलते उनमें ये रहस्य था, उनको भाई जब सार आ रहे हैं तो पहले आए चेकिंग चेक किए, साइड दो गाड़ी आ रहे हैं उनका, लेकिन नहीं नहीं जा रहे। कहते हैं कि माता देवकी के गर्भ में सातवां गर्भ में 7 महीना तक टिके रहे। अरे भैया आपका 7 सेकंड का काम था, 7 महीने रहने का क्या काम था, क्योंकि भगवान ने उनको अर्डर क्यों किया कि भाई देवी तुम माया तुम जाओ, क्योंकि भगवान को माया को भेजना था, ये बात शंकरषण को पता था, किसलिए भेजाना था, ये बलराम को काम का सेकंड आइटम बोले, तो साइड आइटम, असली बात बोले कि तुम ब्रज में जाओ, माया को बोले गच्छ देवी ब्रजंग भद्रे, और माया को ब्रज में जाने का ताकत तो है ही नहीं, माया देवी ब्रज में चली जाए इतना उनका तो साहस नहीं है। वो चुप खड़ी रही, बोले सर आप बोल रहे हैं मुझे ब्रज में जाने के लिए, मुझे रास्ता ही नहीं पता, कौन सा गेट में एंट्री करूं, मुझे आला होगा, यहां तो सब आपके साक्षात स्वयं आपके ही परिकर गण सब हैं, वहां पर मैं कैसे जाऊं, कौन सा गेट में कैसे एंट्री करूं। तब भगवान में सेकंड लाइन में बोले देवी मैं तो बोल दिया जाने के लिए, लेकिन ये काम तो मैं, मुझे पता है तुम नहीं जा सकते, भाई साहब लेकर जाएंगे, आप भाई साहब ले जाएंगे, वो तो है समर्थन, वो तो आप ही है ना, वो ले जाएंगे, इसलिए वो बैठे वेट करके, वो अभी बैठे हैं मेरे सीट पर बैठे हैं, कि उनको पता है कि मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि मुझे आना है ना, भगवान सचमुच देवकी नंदन नहीं है, वो जसोदा नंदन है, जसोदा माँ के गर्भ से साक्षात द्विभुज कृष्ण जो हमारे नंद नंदन, वो नंद के वहां जसोदा के यहाँ प्रकट हुए। लेकिन कंस के जेल में फिर कौन प्रकट हुआ, बोले कंस के जेल में तो 400 हुए थे, आप तो सब पता है, पहले जब वसुदेव देवकी जिसको प्रार्थना की किसको किए थे, वो चतुर्भुज थे, बाद में द्विभुज हुए, चतुर्भुज कैसे द्विभुज हुआ, वो द्विभुज नहीं हो सकते, द्विभुज चतुर्भुज हो सकते हैं, तत्व ऐसा है, 2 से 4 होता है, 4 फिर व्याग थोड़ी करता ना, दूध से दही बन सकता, दही फिर दूध ना, नहीं हो सकता, तो फिर कैसे, बोले ओ बाई फ्लाइट आए थे, ओ नंद नंदन वहां प्रकट होकर बाई फ्लाइट आ गए, फटाफट आकर कंस के जेल में एंट्री कर गए, जैसे द्विभुज रूपी मूल कृष्ण आए तो चतुर्भुज रूपी उनके सांस उनके अंदर मर्च हो गए। ये जो बाई फ्लाइट कौन है, वही तो माया देवी है, भगवान को पहले बुकिंग करना था फ्लाइट, एडवांस बुकिंग किए, उनको पता था मुझे फ्लाइट में आना है, कहाँ से गोकुल से कंस के जेल में जाना है, और ये इतने टाइट शेड्यूल के अंदर केवल वही ला सकती है, तो लेकिन ब्रज में जाएंगे किसे, फ्लाइट वहाँ से टेकअप कैसे करेगी, इसीलिए ये सब को क्रिया को समुचित रूप से घटित करने के लिए भाई साहब ही करा पाएंगे, तो इसलिए भाई साहब बोले कि अब माया देवी जाएंगे आप उनको लेकर जाना, नहीं तो कैसे घुस सकती है, ये काम कैसे कर सकती, तो इसलिए बलराम जी उनके ओके फाइनल चेकिंग करने के बाद भी देवकी माँ के गर्भ में अपेक्षा कर रहे थे कि कब आएंगे, मैं फिर यहाँ से जाऊँ उनको लेकर के, नहीं तो ब्रज प्रभु से कर ही नहीं सकती हो ना, लेकिन ख्याल रखना वो मेरे भाई साहब हैं, बिल्कुल सतर्क से क्योंकि गुस्सा ना हो जाए ना? तो बड़े केयरफुली उनको लेना और लेकर के उन्हें ट्रांसफर करना, और रोहिणी के गर्भ हैं वो मूढ़ गर्भ है, उनको इधर करके उनको इधर कर देना, उनको इधर कर देना, ये रहस्य है। माया को लेकर बलराम जाते हैं, और फिर जाते ही तुरंत भगवान के आए द्विभुज रूप में, वहां आकर के चतुर्भुज मर्ज किया। अब वसुदेव तो प्रार्थना कर रहे थे बचाने के लिए, मैं उनको कहां लेकर छोड़ू बचाऊं, अब लेकर जाएंगे, हेवी डार्क, मध्य रात्रि, अष्टमी रात्रि, भाद्र कृष्णाष्टमी, अष्टमी तिथि में अंधेरी रात, घनघोर बारिश, ऐसे ही वो
इतने मिड नाइट में और इतने हैवी टाइट सिक्योरिटी, बारिश हो रहा है, अब वसुदेव जी तो बेड़ी कड़ी में बंद है जेल के अंदर, ना तो उनके पास लाइट है, टर्च लाइट है, कुछ भी नहीं है, ना छतरी है। अब साक्षात भगवान को लेकर कैसे जाएंगे? ठीक है, भगवान के सेवा के लिए मन में इच्छा करने से सारे बंधन टूट जाता है, खुल गया बंधन, वो यहाँ तक कि जड़ किवाड़ की ताला भी खुल गया, लेकिन ये लाइट और छतरी कहाँ से आ गया? बलराम पिताजी भीग जाएंगे और शिशु भीग जाएंगे। वसुदेव जी तो चिंता ही नहीं, बारिश हो रहा है, अंधकार है, उनको कोई सुधी नहीं है, भैया मिड नाइट है, बारिश हो रहा है, जमुना जी इतने भैया हु केयर्स, वो तो कृष्ण सेवा के लिए इतने लीन थे, वो लेकर चल पड़ना चाहते थे, लेकिन इन प्रकार के भक्तों की चीज इस प्रकार सेवा की सहायता करने के लिए बलराम तुरंत प्रकट होते हैं। अब साक्षात अनंत के रूप में वसुदेव जी पता नहीं चला छत्र है, वो ऐसे छत्र है, सहस्र मणि संपन्न, सहस्र फणा, सहस्र मणिमंडित फणे, उनके हरेक मस्तक पर मणि जटित है। मणि आप देखे ना, कोई आजकल भी जो माइंस में काम करते ना, माइंस इंजीनियर उनको पता है, तो लाइट हाथ में लेकर नहीं जा सकते, एक टोपी लगाते हैं हेलमेट, उसी से लाइट फिट है, वो लाइट बिल्कुल फोकस लाइट क्लियर दिखाई पड़ेगा सर। तो भगवान के हेडलाइट हेलमेट में लगा हुआ है मणि, लाइट बिल्कुल स्पॉटलाइट फोकस लाइट है। तो वसुदेव जी को पता नहीं लाइट कहाँ से आ रहा है, इतने क्लियर सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ओह क्योंकि लाइट मणि से आ रहा है और छतरी भी है, एक सिक्कर भी पानी का ना गिरे बिल्कुल। उन्हीं की देख कर तो जमुना जी भी डर गई, बोले जेठ आ रहे, अब मैं क्या उनको देखा, बाप रे बाप, ससुर साहब तो चलो उनके साथ कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जेठ है ऊपर में भयानक शक्ति, वो भी सुधर गई। तो इसलिए भक्तों को भगवान की सेवा के हरेक प्रकार में सहायता करने के लिए जो बल आवश्यकता है, जो कुछ आवश्यकता है, सब कुछ सप्लाई श्री बलराम से प्राप्त होता है। इसलिए बलराम अब असुर लोग सब मिल करके, भाई गड़बड़ी पुलिस डिपार्टमेंट, प्रतिरक्षा विभाग भगवान शंकर के हैं, वहाँ जाओ। शिव जी बोले भाई ये मैं नहीं कर सकता, हाँ मेरे डिपार्टमेंट है लेकिन बियॉन्ड माई कंट्रोल, ठीक है मैनेजमेंट ब्रह्मा जी के पास जाओ कुछ करो, बोले मैं भी नहीं हाथ उठा दी। अब सब मिल करके बोले चलो मेंटेनेंस अफसर विष्णु के पास चलते हैं। खीरे सागर में जाकर के खीरे साई विष्णु को पुरुष सूक्त में प्रार्थना किए, खूब प्रार्थना किए देवता लोग ने, खीरे साई विष्णु तो दर्शन तो नहीं दिए, फोन किए, केवल ब्रह्मा जी के पास फोन था और किसके पास था नहीं, वो बटन वाला फोन था सर, स्मार्टफोन था नहीं इसलिए देख नहीं पाए। डिबोटी लोग बटन वाला फोन ही रखते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा जी भी पहले से रखे। तो उनको मैसेज आया फोन में, मैसेज किया कि देखो मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, बता दो सब। तो ब्रह्मा जी उनके मैसेज फोन में पा करके वो डिक्लेयर किए देवताओं को, बोले अरे देवगण डोंट वरी, ब्रह्मा जी के आदेश खुश हो गए, क्या बात है सर, अब देखो हर समय कुछ गड़बड़ होता है तो प्रभु जी आते हैं, अनेक करके मत्स्य कुर्म आदि अवतार लेकर के अवतरण लेते हैं और आकर के हमारी विपत्ति दूर तो करते हैं, इस बार भी उन्हें मैसेज आ गया वो तो आने वाले, लेकिन इस बार के बाद कुछ अनोखा है ना, क्या ना, हर एक बार जैसे मत्स्य कुर्म आदि अवतार में आते थे इस बार ऐसे नहीं आएंगे, क्यों? बोले हर बार मत्स्य कुर्म आदि अवतार को मम्मी पापा बनाकर तो आते नहीं थे, ऐसे प्रकट हुए, अपना काम किए, प्रकट अवतार अंतर्धान ऐसे करके चले गए, लेकिन इसी बार कुछ विशेष रूप में आएंगे ना, क्या मम्मी पापा लेकर आएंगे, हाँ हमारे ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी बोलते मेरी मेरी इस ब्रह्मांड में और उन्हें जन्म लीला करेंगे इस बार, हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे इस ब्रह्मांड के नियम है इस नियम के अनुसार राजी खुशी से उन्हें माता पिता बना करके जन्म लीला करेंगे, इसलिए विशेषता है, हाँ इस बार अग्रे भवितो देवः, इस बार पहले आ रहे हैं, बाकी होता तो बाद में आए थे, बोले इस बार पहले आ रहे हैं, इस बार पहले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर बार तो आते ही रहते हैं, जस्ट इसी अवतार के पहले राम अवतार में वो बाद में आए थे, छोटे भाई बनकर आए थे,
और उनको बड़े दुख हुआ, बड़े दुख हुआ, बोले कान पकड़े, बोले दोबारा ऐसा नहीं करो, ये छोटे भाई बनना बड़ा मिस्टेक है। उनको बड़ा दुख हुआ, बोले क्या दुख था छोटे भाई बन करके, बोले जब श्री राम अवतार में भगवान श्री राम ने पितृ आदेश पालन करके वनवास में चले तो रामानुज श्री शंकरषण लक्ष्मण बड़े भाई के अनुगमन करते हुए उनके पीछे पीछे वन में चले। वनवास के समय में जब उनके पीछे पीछे चल रहे थे श्री शंकरषण ने लक्ष्मण रूप में, वो जो कंकण पत्थर वन की रास्ता, चप्पल भी नहीं पहने थे उन्होंने, जब जा रहे थे उनको जब कष्ट हो रहा था, उनके कष्ट तो कुछ नहीं था, वो मन में सोच रहे थे मेरे भाई साहब प्रभु राम को पैर में कितने कष्ट होता होगा, इसको चिंतन करके बोले मैं क्या करूं, बड़े भाई है आगे ही चलते हैं, कितने उनको तकलीफ होता होगा और मैं क्यों नहीं बड़े भाई बन गया। वही मन में दुख हुआ, अगर मैं इस बार इसलिए बड़े भाई हो जाता तब कैकेयी माता तो भरत को राजा बनाना चाहता था, जो अमर वंश परंपरा में जो बड़े भाई है वही राजा का सीट मानता है, तो मुझे ही वनवास देता, मैं बड़े भाई होता राम को थोड़ी बोलता, मुझे वनवास था, मैं वनवास करता, मैं इस कष्ट स्वीकार करता, मेरे प्रभु राम को कष्ट स्वीकार नहीं करना पड़ता, लेकिन बड़े भाई बनकर के उनके कष्ट स्वीकार करना पड़ता, मैं क्यों नहीं बड़े भाई बन गया, ये उनका मन में बड़ा खेद हुआ, बड़े दुख हुआ, बड़ा मिस्टेक किया, मैं बड़ा बनकर आता मेरे प्रभु को कष्ट ना होता, वहीं जंगल में चला जाता, तो इसलिए बोले कि इसी गड़बड़ी और नहीं करूंगा। इसलिए एक बलराम के सहस्र नाम में, बलराम जी के और एक नाम भी है शास्त्र में, क्या है, पूर्व भक्ति खेदा अच्युताग्रज, कि पूर्व काल में भक्ति में खेद आया था उनके मन में, बड़े खेद उत्पन्न हुआ था, इसलिए इस बार अच्युत के अग्रज बन करके आए, बोले और नहीं बनूंगा, मिस्टेक नहीं करूंगा, इसमें बड़े भाई बन करूंगा, जो कुछ कष्ट मुझे सहन करना पड़ेगा मुझे भी कष्ट, लेकिन बड़े भाई बनकर आकर भी देखे कि ये भी गड़बड़ है, ये कुछ भी बड़े बड़े बने छोटे बने वो काम नहीं बनने देता। यद्यपि उन्होंने स्वराट शब्द का, सारे आचार्य बोलते हैं कि जो उनके स्वजन है उनमें सात रमण करते हैं, हम देखते हैं कृष्ण लीला के आदि से अंत तक बलराम साथ में थे, हाँ कोई लीला ऐसा नहीं जो बलराम नाथ होंगे उनके साथ, वो फोर व्हीलर से टू व्हीलर सब लीला में, फोर व्हीलर मतलब घुटर बन से लेकर के, हाँ अब वो आनंद के बाद में महानिरानंद हो गया, इतने सुंदर बेटा जन्म हुआ पूर्णिमा के दिन दोपहर में, लेकिन घुंगा बहरा पता नहीं क्या, कुछ बोलता भी नहीं, हंसता भी नहीं, हाथ पर भी नहीं उछालता, पल पर पड़ा रहता है, हाथ पर भी नहीं उछालता, कुछ बोलता नहीं, रोता भी नहीं, ना रोता ना हंसता, कुछ करता कुछ भी नहीं करता, क्या जड़ हुआ यार, इतने सुंदर रूप है, हे गठिला साहब चकाचक है, लेकिन घूंगे सुनता भी नहीं, पता नहीं, सुनने से तो बोलता भी कुछ, कुछ नहीं करते, जड़ की तरह पड़ा रहा। कई दिनों तक माता रोहिणी तो बोलते पता नहीं देवी किने मुझे राण नियम दिला करके गर्भवती कराया कि पति का वंश नाश हो रहा है, दीजी आपको वंश रक्षा करना होगा, उनके कहने पर मैं गर्भ धारण की, लेकिन स्वामी के वंश रक्षा करने के मेरे गर्भ में किया आ गया, ये 14 महीना तो निकल नहीं रहा था, इतने लेट में निकला, और निकल करके ये क्या, ये जड़ है, ना रोता ना हंसता ना हाथ पर उछलता, किसी काम के नहीं यार, क्या है, कुछ बैठा दे, दूध पिलाओ तो नहीं पिलाओ तो पी लिया, नहीं पिलाओ तो मत पिलाओ, कुछ नहीं, कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं, ये क्या है, हम दुखी थे। लेकिन जब ही पूर्णमासी देवी मधुमंगल उनका बेटा आता है, वो आकर बोलते हैं दादा दादा करता उनके पास में पलने पर जाकर, जब मधुमंगल आकर दादा दादा करता था तब हाथ उठाकर मुंह में हाथ लगाता था, सब देखते थे, बोले अब भी यही उनका हाथ उठता है, जड़ की तरह, जब मधुमंगल दादा दादा कहते हैं उनके मुंह में हाथ लगाते, बोले नहीं, रोहिणी के गोद में जाकर बैठ जाता था, मेरे दादा है, रोहिणी देवी बोलते तू कैसा है,
तू पहले से तेरे से छोटा ही है, तेरे से दादा क्या है, दादा तो है ही है और क्या, मेरे बाद में आया लेकिन दादा है। अरे ये मूड घर में कुछ बोलता नहीं, जड़ है, नहीं 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 वेट कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, दादा मेरे सखा के अपेक्षा कर रहा है। सचमुच सांडिल्य जी भी आए, उनके गणना किए, बोली ये तो साक्षात मैं उनके सुगुष्ट भी नहीं गणना कर पा रहा हूं, ये कौन है क्या है, लेकिन इतना कहता हूं ये अति मानव है और उनका अंदर कोई दुर्गुण नहीं है, ऐसा नहीं कि जड़ है बोल नहीं सकते, सारे सबगुण सर्वगुण समन्वित है। बोले क्यों रोते नहीं, कुछ नहीं करते ना, कुछ तो रहस्य है, काल के अनुसार प्रकट होगा, ये नहीं मैं गणना कर सकता हूँ, कौन ज्योतिष में कुछ गणना कर पाए उनको, वो असीम है अनंत है, कौन सीमित करे उनको। लेकिन मधुमंगल बोलता था हाँ दादा वेट कर रहा है मेरा सखा का, देखना वेट कर रहा है, एक साथ में एक्शन शुरू करेंगे इसलिए वेट कर रहा है, अभी इनएक्टिव है, एक्टिव होंगे वो, दादा आ जाए सखा आ जाए मेरा। सचमुच जब कृष्ण प्रकट हुए उन्हीं के साथ में, दादा होते हुए भी अब अनुज के साथ ही एक साथ में उनका सारे बाल्य लीला से शैशव से लेकर के लीला शुरू किए, शैशव लीला से शुरू किए, अग्रे भविता देवो एडवांस पार्टी में आए, बुकिंग वगैरह करने के लिए सब एडवांस जाता ना, जो यात्रा अगर जाता है पहले एडवांस जाता है, रूम भूम बुकिंग ना कहा रहे क्या करें खाए पिए सब व्यवस्था करने के लिए, तो एडवांस पार्टी में आए। लेकिन जब जाने का समय हुआ प्रभास लीला में देखते हैं भगवान जाने से पहले निकल गए, ये भी एडवांस पार्टी है क्योंकि और कहीं लीला होगा इसलिए एडवांस में जाना है, ये सेवक का गुण होता है। हरेर प्रिय चिकित्सया, हरि के प्रिय करने के लिए जिनको अपना एकमात्र स्वजन मानते हैं उनके स्वजन के चिंता से, उनके स्वजन ही स्वजन की चिकित्सा सेवा करने के लिए एक बार अलग हुए थे, वो द्वारका से वृंदावन आए थे। जब कृष्ण बलराम एक साथ द्वारका गए थे, दोनों ही भाग करके गए थे, रसरवण गिरी से एक साथ में भागे, जरासन के शरण छोड़ बने दोनों सब साथ साथ में, द्वारका में रहते हुए भी ब्रज के इतने चिंता होता था श्री बलराम के, श्री कृष्ण के, ओ क्या कहें, शुद्ध बुद्ध खो बैठते थे कभी कभी, दिन रात में भी प्रकट हो जाता था। हाँ राधे ब्रज देवी के चललिते, ऐसे करके विकल हो जाते थे, कभी रोते थे कभी हंसते थे। बलराम जी बोलते थे कृष्ण एक बार जाकर घूम आना चाहिए, मैया बाबा के दिखाना चाहिए, बाकी सब है गाय बैल सब है हमारे ब्रजवासियों के, थोड़ा और घूम आना चाहिए। कृष्ण सुन करके अग्रज के बाद बैठ जाते थे, हाँ गर्म श्वास लेते थे, हाय भैया जाना तो चाहिए लेकिन क्या करूं, कैसे जाऊं, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप तो जानते हैं मैं जाऊं ब्रज में थोड़े दिन के तो जाकर आ नहीं सकता, मेरे लिए जिस ब्रज का ऐसी दुर्दशा है उन दुर्दशाग्रस्त ब्रज में मैं जाऊं वो दो दिन जाकर वापस आ जाऊं, रिटर्न टिकट करके जाऊं, ब्रजवासी छोड़ देंगे, नहीं हो सकता। इस स्थिति में दूसरा भी कारण था, 100 साल के उनका नियम था नहीं जाऊंगा जो भी था, और भगवान ने नाना प्रकार के कहने देते थे, लेकिन वो रोते थे, तुम रोता है उनके देर से थोड़ा उनके लिए देखाने के लिए क्यों नहीं जाता। तो कृष्ण ने बोले आर्य दादा आपको तो पता है मेरी स्थिति क्या है, मैं नहीं जा सकता, ऑन बिहाफ ऑफ मी मेरे ओर से मेरे प्रतिनिधि बन करके आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, तुझे छोड़कर मैं जाऊं, मैं आपको छोड़कर रह नहीं सकता, आप मुझे छोड़कर रह नहीं सकते, आप कोई अलग जगह थोड़ी ना जाते हैं, मैं ब्रज को छोड़कर अलग हूं कहां, आप मेरे ब्रज को जाएंगे, मेरे स्वजन परिजन के पास जाएंगे, आपके वो है मेरे वही हैं, आप उनके पास एक बार जाइए, हो आइए। बहुत बोल बाल करके दादा को भेजे, एक एक स्वजन परिजन के लिए गिफ्ट भेजे, किनको क्या बोलना है, किनको क्या कहना है, किनको कैसे क्या संतरण, सब कृष्ण ने
डिटेल बैठ करके कई दिन उनसे मंत्रणा करके बातचीत करके उनको सेटअप करके भेजे, बलराम आए ब्रज में, आए बलराम एक बार अकेले, आपने गाड़ी लेकर के आए, ताला ध्वज रथ में बैठ करके आए। जब श्री दाऊ श्री बलराम जब ब्रज में प्रवेश कर रहे थे, अनेक वर्षों के बाद श्री ब्रज ब्रजत्व को प्राप्त किया, अनेक वर्षों से जहां गाय बैल सब सूखा घास खा रहे थे वो भी तपस्या कर रहे थे, सारे पेड़ पौधा वृक्ष लता सब फल फूल को त्याग दिए थे वो भी दुख कर कह रहे थे, और गोप गोपियां तो उनका किचन में मकड़ी के जाला लगा हुआ था, किचन में भी नहीं जा रहे थे, बोले किसने कुकिंग करे, जब राम श्याम नहीं है किसको खिलाएं, किसको क्या करें, यही से दुख दुर्दशा में पड़े थे। उस ब्रजदेवी वृंदावन आज हर्षित पुलकित हो उठी, क्योंकि दाऊ आ रहे हैं, अभी पहुंचे ही नहीं, दूर से ही ताला ध्वज पताका दिखाई पड़ने लगा, ब्रज के तृण वृक्ष लता पुलकित हो गए, हर्षित हो गए, एक एक घास में पुष्प उगने लगा, सारे जो पेड़ जितने लताएं थे सब में फल और फूल भर आए, नित्य वसंत आ गया, दाऊ आ रहे। श्री गोपिकाएं जिन्होंने कृष्ण विरह से विरहित होकर के वर्षों से रो रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं, उनको कितने समझाने पर भी कृष्ण आपसे अलग हो ही नहीं सकते, कृष्ण वृंदावन से बाहर कभी पैर रखते ही नहीं, आप क्यों रो रहे हैं, लेकिन मनाने पर भी मानते नहीं, समझते नहीं, क्यों उनके मन में क्यों इतने दुख विरह, क्योंकि असली में वो कृष्ण के विरह के दुख नहीं था, ये था बलराम के अदर्शन, बलराम नहीं थे उनके अब्सेंस के कारण उनको दुख महसूस होता था, क्योंकि सभी कृष्ण के स्वभाव को जानते ब्रजवासी, उन नटखट छलिया अगर कभी दर्शन दे भी दे उनके दर्शन पर विश्वास नहीं होता कि वो आया क्या वो भरोसा नहीं है, लेकिन जब श्री बलभद्र श्री बलराम के दर्शन हो जाता है तब इस नटखट होगा कहीं आसपास वो है क्या, वो दिखाई पड़े तो उनके अनुज तो साथ में होगा ही, अनुज उनके स्वजन है, उनको छोड़कर कभी दूर होगा ही नहीं, तो बलराम के दर्शन होने से सबका दुख मिट जाएगा ये निश्चित था। कृष्ण अगर आ भी जाते दर्शन दे भी देते तभी उनका रोना धोना नहीं बंद होता ना, वो बोलते ये पता नहीं आया कि चला गया है, सपने में आया कि क्या है, लेकिन बलराम के दर्शन ही उनको प्रमाणित करेगा, अच्छा बलराम है दादा है, तब तो अनुज उनका होगा, वो कहीं जाएगा, क्योंकि इसी छलिया को जानते हैं, उनके स्वभाव को सब परिचित हैं, उनके नटखटपन उनके इस नटखटपन उनके जो मोहन माया इस बड़े भाई बलराम के, बलराम संतुष्ट है, बलराम निकट है, तब वो थोड़ा शांति करके बैठता है उनके साथ रहता है, तो इससे बलराम की प्रेजेंस बलराम के दर्शन ही प्रमाण है कि कृष्ण की प्रेजेंस, तो इसीलिए बलराम आ रहे हैं तब खुश होंगे तो कृष्ण तो होंगे ही, और ताध्वज देखता है नंदी घोष पीछे पीछे होगा, अग्रज के साथ अनुज कभी छोड़ता ही नहीं, इसी की आशा से सब खुश हो गए। सबसे पहले गोष्ठ में गाय देखे धूल उड़ रहा है ताड़ध्वज रथ का, गाय और वृषभ उनका पूछ उठ गया, कान खड़ा हो गया, हम्बा रब करते हुए दौड़ पड़े, उनके अति आत्मीय अति परिचित दाऊ आ रहे इसलिए दौड़ पड़े, उन्होंने सारे सखाओं दौड़ पड़े, उनके दाऊ हो रहा, वो कहीं दूर थोड़ी थे, जैसे मिले दौड़ करके गए ब्रज के आउटस्कर्ट में, उनको देखते ही बलराम जी ने रथ से कूद पड़े, ये कोई दूसरा तो थे नहीं, उनके परम स्वजन निजजन आत्मीय है, एक एक बैल एक एक गाय उनको सूंग लेना चाहता था, चाट लेना चाहती थी, सारे सखाए उनको अंकमाल देना चाहते थे, कुछ सखा तो उनका हाथ पकड़ लिए, बोले दाऊ
सुना कि आप बड़ी दूर द्वारका में रहते हैं, कितना दूर है? जमुना जी है वहां, इतने गाय इधर हैं? स्तोक कृष्ण पूछने लगा। बलराम जी उनकी क्या उत्तर देंगे, कैसा है हमारे व्रत से बहुत अच्छा है क्या? बलराम जी उनके हाथ पकड़कर बोले, नहीं रे, ब्रज के समान द्वारका हो नहीं सकता, इसके वैभव वहां हो नहीं सकता। वहां समुद्र है लेकिन नमकीन पानी है, गो संपदा तो यह है ही नहीं, कहां वैभव है वहां? तो फिर तुम क्यों जाता हो इधर? मत जाओ, तैरने के लिए जमुना पानी का कम है क्या? मत जाना वहां। अब एक एक ब्रज सखाओं के भाव के अनुरूप उनको मिलना, उनको सांत्वना देना, सब पेड़ फूल पत्ते अपने पुष्प बिछा करके फल दे करके बलराम को स्वागत किए। खबर मिला कि दाऊ आ रहे हैं, बड़े बूढ़े गोप दौड़ पड़े, सखाओं तो पहले मिल लिए थे, दाऊ आ रहे हैं तो कृष्ण दर्शन से भी ज्यादा आनंदित हो गए कि वो तो होगा साथ में। ऐसे जाकर के मिले, दाऊ ने भी आज दे डिजर्व, किसी के चरण छू करके किस जिस जिस प्रकार के सम्मान सबको दिए, बात्सल्य के स्रोत बड़े बड़े गोपिकाओं ने, जसोदा रोहिणी तो द्वारका में थी, जसोदा आदि गोपिकाओं ने उन्मादी नहीं हो उठी थी, पगली गई थी, दौड़कर जाती, दाऊ आ रहा है, दौड़कर जाती जाके देखती, अरे दिखाई पड़ रहे दाऊ आ रहे, फिर दौड़कर वापस आती घर में, क्यों? अरे इतने दिन के बाद दाऊ घर में आ रहा है, उनके लिए ताजा माखन बनाना है, कितने पसंद करता है माखन खाने के लिए, दौड़कर जाते, इतने दिन से तो किचन डीएक्टिवेट था, उसको जाकर माखन बनाना ताजा सजाना इसमें लग जाती, लेकिन मन नहीं भरती, इतने लेट क्यों? दौड़ जाती फिर देखने के लिए। वो तो पगली गई इनसाइड एंड आउटसाइड, किचन में आए रास्ता में दौड़े, अब कहां उनको तो इसी से पसीना उतर जाती, कहीं मन नहीं मानती मैं ये काम करूं ना उनको स्वागत करूं। अंततः माखन निकाल करके हाथ में माखन लिए लिए दौड़ पड़ी। बलराम आए, अब तो बड़े हो गए थे, उनके भी पुत्र पुत्र हो गए थे, लेकिन माँ जसोदा के लिए दाऊ आज भी उनके अबोध शिशु, गोद में लिपटा लिया उनको, राम भी माँ के गोद से ही लिप चिपक गए, माँ जसमती बात्सल्यमयी माँ जसमती के आंख से बारी धारा बहने लगा, स्तन से प्रेम पुनीत स्तन श्राव होने लगा, मिट्टी भीग गया दुग्ध धारा और अश्रु धारा से, बलराम भी अभिषिक्त हो गए। ये दाऊ मिलन था, हम तो पंचामृत में अभिषेक करेंगे, लेकिन जो प्रेम अभिषेक दाऊ में जब ब्रज में प्रकट हुए दोबारा बलराम माँ ने जिस प्रकार उनको अभिषेक किया मैया बाबा ने, वो था उनका प्रेम अभिषेक, उसमें कोई पंचामृत पंचागव्य नहीं था, केवल अपने स्तन से प्रेम दुग्ध धारा, आंख से प्रेम अश्रु धारा, इस दोनों से उनका अभिषेक किए थे। इस प्रकार महामिलन हुआ था, उनके लिए तो अवध शिशु थे, वहीं चिपक कर कितने बातें कह गए, कितने बातें कह गए बिना मुंह खोले, बिना मुंह खोले, ये सांकेतिक भाषा है, ये भावग्रही इस भाव को ग्रहण करते थे। ऐसे ब्रज के भाव को देख करके भगवान ने जाने के लिए मन नहीं किया, 2 महीना मधु माधव रह गए ब्रज में, श्री कृष्ण को द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में छोड़ करके ब्रज में बलराम 2 महीना रुके, रास लीला भी रचाए राम घाट में, जो लीला वही तभी किए थे। श्री बलराम जो साक्षात श्री कृष्ण के द्वितीय देह है, पंच रूप में तो उनसे सेवा तो करते हैं,
साक्षात बड़द रूपे करे सहायन, सृष्टि आदि लीला चारि रूपे, चार रूप में सृष्टि आदि लीला रूप में उनका सहायता करते हैं। सर्व रूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, सही साक्षात बलराम गौर संगे नित्यानंद। वही साक्षात बलराम जो कृष्ण सेवा का आनंद ही जिनका एकमात्र जीवन की ध्येय है, कृष्ण सेवा का आनंद सर्व रूप में जो लूटता है, वही श्री गौर के रूप में नित्यानंद बनकर आया है गौर लीला में। वही निताय नित्यानंद है, वही पंच रूप में पंच रस में कोई रस बाकी नहीं गया। आप देख रहे हैं बलराम यद्यपि आगे प्रकट हुए थे बड़े भाई के रूप में, बाच्छल रथ स्वाभाविक था, मेरे छोटे भाई है कृष्ण, कई लीला में छोटे भाई के रूप में डांटते थे, उनको बताते भी थे, लेकिन क्योंकि कृष्ण की विस्तार है प्रथम विस्तार, उनके सेवा करते थे, लेकिन दास्य था उनके भाव में, उनके दासत्व सेवा करते थे। ब्रज में बाल लीला में हमेशा साथ रहे सखा के रूप में, सख्य रस था। कितने रस हो गया? तीन हो गया ना। और श्री शेष के रूप में सहस्र प्रण सहस्र मुख में उनके अनंत काल तक उनके गुणगान करते हैं, ये शांत भाव है। और एक ही रस रह गया, ये रस में कैसे बलराम कुछ नहीं छाड़ना छोड़ना चाहते थे, सर्व रूप में सेवा करे, कंप्लीट हुआ नहीं, माधुरी रस भी रह गया। ये रस के लिए तो फीमेल होना पड़ेगा, ये रस को तो मेल भर में किया नहीं जा सकता, तो इसलिए बलराम भी साक्षात श्री अंग मजरी बन करके, श्रीमती राधिका के छोटी बहन बन करके माधुरी रस के भी आस्वादन किए। तो इसलिए पांचों को पांच रस में भगवान बलराम ने कृष्ण की सेवा किए, इसलिए सर्व रूपे रस आस्वादन करे बलराम, सब रूप में सर्व रस में उनका आस्वादन किए। तो इसलिए आज हम भारतवर्ष में एक बड़े पवित्र त्यौहार मानते रक्षाबंधन। सारे बहनों ने अपने भाई के हाथ के कलाई में रक्षाबंधन बांध करके अपने प्रेम की पराकाष्ठा को प्रकट करते हैं, लेकिन पता नहीं भाई उनको कुछ रक्षा देता है कि उनसे रक्षा उनको देते हैं, पता नहीं, हु नोस, पता नहीं भाई बहन क्या है। लेकिन रक्षाबंधन का असली लक्ष्य है रक्षा प्राप्ति की इच्छा। वास्तविक हम इस बंधन से भवबंधन से रक्षा चाहते हैं, वास्तविक हमारा जो मेन इच्छा है सुख आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक कृष्ण की सेवानंद की इच्छा करना चाहते हैं। ये सब कुछ हो संभव हो सकता है, संभव तभी घट ही सकता है जब श्री बलराम के रक्षित रक्षा हमको प्राप्त होगा। श्री बलराम के श्री चरण में रक्षाबंधन करना चाहिए, उनके श्री चरण के साथ संबंध को स्थापना करना चाहिए। इसलिए आचार्य कहते हैं से संबंध नहीं जार वृथा जन्म गेला तार, जन्म कुले की करीब तार, विद्या कुले की करीब तार, इस पढ़ाई लिखाई विद्या कुल क्या करेगा। पर बलराम के चरण में रक्षा बंधन नहीं कर पाया, उनके साथ संबंध नहीं कर पाया, तब जीवन ही बेकार है, यूजलेस है, यूजलेस है। तो इसलिए श्री बलराम आदि आचार्य बनकर के अभी तक संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितने भक्ति के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने कृष्ण सेवा करने के लिए लोगों को प्रवर्तन करते हैं, कृष्ण के बारे में बोलते हैं, ये साक्षात समस्त आचार्य श्री बलराम के प्रतिनिधि हैं, उनके अंश मात्र हैं। ये सबके अंशी साक्षात बलराम है, श्री गुरु श्री बलराम है। तो इसलिए उन्हीं के साथ रक्षा की बंधन की आशा करके उनके हाथ के क्या बांधे, उनके चरण में, चरण में नहीं, चरण के अग्र उनके नाखून के तेज में, चरण के धूल में भी धूल बन जाए, रक्षा के बांध नहीं पाए पहुंच नहीं, रक्षा बांधने का आशा कर ले, यही संबंध रखूंगा
इस आशा कर ले, बाकी वो खुद आकर के बंधवा डालेंगे, वो सब करवा डालेंगे। यही आशा करके, बलराम के रक्षा के लिए आशा करके अगर हम रक्षाबंधन पर्व को पालन करेंगे तो रक्षाबंधन पर्व ही साक्षात कृतकृत्य होगा, उस राखी भी सफलता प्राप्त करेगा और हम ही वास्तविक रक्षा प्राप्त करेंगे और हमारे रक्षाबंधन उत्सव भी सुष्ठु रूप में घटित होगा, सृष्टि होगा। श्री भगवान बलराम आविर्भाव तिथि की, श्री राम कृष्ण भगवान की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम।